गणेश महोत्सव में आज बनने वाला है मालपुआ। ये गुड़ के मालपुए हैं। गुड़ से बनी हुई चीजें गणपति बाबा को बहुत पसंद आती हैं। ऐसे मालपुए ना आपको भगवान श्री जगन्नाथ के भोग प्रसाद में भी मिलते हैं। तो क्या आप ही मेरे साथ इन मालपुओं को बनाएंगे और श्री गणेश भगवान को भोग लगाएंगे? ये रेसिपी इतनी आसान है कि इसमें मेहनत और खर्च दोनों कम लगते हैं। बस एक कप आटे से आप ढेर सारे मालपुए बना सकते हैं और इसमें घी या ऑयल भी कम लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक मिक्सिंग बाउल लीजिए और इसमें एक कप गेहूं के आटे को ऐड कीजिए। इसमें आप 2 चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी क्रिस्पीनेस बढ़ जाएगी। अब हमने 2 लौंग 2 इलायची का पाउडर बना करके ऐड कर दिया है। इसमें सिर्फ इलायची पाउडर भी ऐड किया जा सकता है और एक बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा सौंफ ऐड कर देंगे, इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है ना, उसी कप से 1/2 कप गुड़ ऐड कर देंगे। अब डली वाला है तो इस तरीके से मैश कर सकते हैं या कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं, तो उसमें डली नहीं रहेगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे या फिर दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने पानी ऐड किया है, इसका एक बैटर बनाना है। तो पहले 1/2 पानी तो ऐड कर देंगे क्योंकि बैटर थोड़ा सा पतला होता है। देखिए हमने ऐड कर दिया, अब इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें और भी पानी की जरूरत है, तो हमने बचा हुआ सारा पानी ऐड कर दिया है। फिर मिक्स किया है तो अभी भी बैटर में पानी ऐड करना होगा, तभी परफेक्ट मालपुए बन पाएंगे। तो मैंने 1/2 कप पानी और ऐड किया है और ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल बनकर तैयार हो गया है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई को रखा है और ये देखिए कितना कम हमने ऑयल ऐड किया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आप पसंद करें। इसके बाद 1/2 चम्मच हम बैटर को लेंगे और बस एक ही डायरेक्शन में बी सेंटर में इस बैटर को गिराना है। बैटर ऐड करते समय गैस की फ्लेम हाई रखिएगा और थोड़ा सा सिक जाए तब गैस की फ्लेम थोड़ा सा लो कर दीजिए, तो अंदर भी बढ़िया से सिक जाते हैं। अगर आपने एक सा फ्लेम करके सेका तो अंदर थोड़ा सा गीला बैटर रह जाता है, मालपुए खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए हमने पलट दिया है, 2 मिनट लो फ्लेम में इसी तरीके से सेक लेंगे। चलिए इसे चेक करके दिखाते हैं कि ये सिका है या नहीं। तो देखिए सिक तो गया है, अगर आप थोड़ा सा और डार्क कलर चाहते हैं तो और भी सेक सकते हैं, पर हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें सेकते समय या निकालते समय ध्यान रखिएगा, थोड़े से लूज रहते हैं और बाद में ड्राई हो जाते हैं। अब हम दूसरा मालपुआ भी ऐड कर देंगे सेम वही प्रोसेस से। बैटर थोड़ा सा पतला रहता है तो इसमें जालियां भी आ जाती हैं, पर परफेक्ट जालियां नहीं आती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सिक जाए तब आप इसे पलट सकते हैं। 2 मिनट लो फ्लेम में सेकने के बाद निकाल लीजिएगा। और मैंने एक मालपुए को थोड़ा सा डार्क करके सेका था और ये सारे मालपुए देख सकते हैं कितने मस्त बने हैं। जो मैंने पहले सेका था ना वो ड्राई हो चुके हों और ये अभी सेका था तो ये थोड़ा सा लूज है ना, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि 1 कप आटे से मैंने 7 से 8 मालपुए तैयार कर लिया है। जितना ऑयल मैंने ऐड किया था उसमें भी इतना बच गया है। बब्बा के लिए ये मालपुए पर्याप्त हैं। इसमें अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए, गार्निशिंग करके दूध जरूर ऐड कीजिएगा और बब्बा को भोग लगाइएगा। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। गणेश उत्सव में शामिल होना है तो इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।